बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अज़र। इस टाइम हम मौजूद हैं पीर वदाई मोड़ पे, जो पिशावर रोड के साथ है। तो अभी हमारे साथ हैं PP14 से मुंतखब राजा बिशारत साहब, जो लॉ मिनिस्टर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किस वजह से इन्होंने रोड ब्लॉक किया और इनके क्या मकसद है, कि ये क्या चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साहब, लेकिन हमने रोड बंद नहीं किया हुआ, ये हम एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं हम अपने खान साहब के बयानिए पर, जो गुज़श्ता एक तवील अरसा से खान साहब बयानियाँ लेकर चल रहे हैं कि हमें आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन चाहिए। एक तो ये बात है, दूसरा जो चंद दिन दो दिन पहले खान साहब पर हमला हुआ, उस हमले की FIR दर्ज ना होना भी हमारे एहतजाज का हिस्सा है। सो इन दोनों पॉइंट्स पर आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसला किया था कि हमने एहतजाज करना है। तो ये पॉइंट जो है IGPA रोड यहाँ से शुरू होती है, ये पॉइंट जो है ये हमारी ड्यूटी थी। यहाँ पर हम सारे दोस्त सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने कायद के एतमाद पर पूरा उतर सकें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में जो एक अनार्की फैली हुई है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है कि इमरान खान साहब के मुतालबे के मुताबिक इलेक्शन करवा दिए जाएं। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ अवाम उससे कम किसी चीज़ पर मुतमिन नहीं होंगे। ये फिर वदाई मोड़ के अलावा इस्लामाबाद में या और किसी रोड में आपका एहतजाज हो रहा है? जी बहुत सारी, इंडिया में बहुत सारी जगहों का हो रहा है, लेकिन मकसद ये था कि हमारा मैसेज फेडरल गवर्नमेंट को, हम मैसेज ये देना चाह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद को जितनी भी आउटरीच जाती है उन तमाम को बंद किया जाए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि सिर्फ 27 किलोमीटर स्क्वायर पे उनकी हुकूमत है, उसके बाहर उनका कोई इख्तियार नहीं है। आज पेशावर से काफले आ रहे हैं, IGPA रोड पे हम खुद मौजूद हैं, रवात पे एहतजाज हो रहा है, मरी रोड पे एहतजाज हो रहा है, मरी में एहतजाज हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हो रहा है। तो हर जगह एहतजाज है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको खान साहब ने बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। कैसा रिस्पॉन्स है PTI के वर्करों का या इस एरिया की आवाम का, उन्होंने क्या आपका साथ दिया है? देखिए इस वक्त शाम, काफ़ी शाम हो चुकी है, मौसम भी सर्द है, लेकिन इसके बावजूद आप कारकुनों का जज्बा देख सकते हैं जो सुबह 10 बजे से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और उसी तरह इस वक्त तक मौजूद हैं। क्या समझते हैं इस एहतजाज से फ़र्क पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लॉन्ग मार्च को एक दफ़ा इख्तितामी पॉइंट पर पहुंचने दें, यानी हमारा जो आखिरी कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा रावलपिंडी में, जब सारे हम इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है हमें रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। जी कल से हमारा आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो उसकी डेट चेंज हो चुकी है, वो परसों से शुरू हो रहा है और जब वो पिंडी पहुंचेगा तो इंशाल्लाह ताला पिंडी की आवाम उसके मेज़बान होंगे। पिंडी वालों पे काफ़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस हुकूमत को चेंज करने के लिए पिंडी आवाम का रोल जो होगा वो मुस्बत होना चाहिए, ताकि इस जो हुकूमत है इसे हमारी जान छुटे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला रावलपिंडी के आवाम अपने कायद इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मलक महबूब साहब, जो हमारे रावलपिंडी कैंट के बहुत ही पुराने सियासतदान हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं। तो